बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में महंगा हो सकता है विद्युत कनेक्शन। यूपीपीसीएल ने लाइन चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव किया। लाइन चार्ज बढ़ाने का नियामक आयोग में दाखिल किया प्रस्ताव। 100% तक महंगा हो सकता है दुकान से लेकर घर तक का कनेक्शन। विद्युत नियामक आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद बढ़ेगा चार्ज। कास्ट डाटा बुक को लेकर नियामक आयोग ने मांगा था प्रस्ताव। 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए वर्तमान में 150 रुपए चार्ज, वर्तमान में 3 किलोवाट के लिए 398 रुपए लाइन चार्ज। दरें बढ़ने पर 1500 और 3500 रुपए का प्रस्ताव। फिर से बता दें, बड़ी खबर आ रही है 24x7 लाइव टीवी पर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में महंगा हो सकता है विद्युत कनेक्शन। लाइन चार्ज बढ़ाने का नियामक आयोग में दाखिल किया प्रस्ताव। यूपीपीसीएल ने लाइन चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव किया। 100% तक महंगा हो सकता है दुकान से लेकर घर तक का कनेक्शन। कास्ट डाटा बुक को लेकर नियामक आयोग ने मांगा था प्रस्ताव। विद्युत नियामक आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद बढ़ेगा चार्ज। वर्तमान में 3 किलोवाट के लिए 398 रुपए लाइन चार्ज। 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए वर्तमान में 150 रुपए चार्ज। दरें बढ़ने पर 1500 और 3500 रुपए का प्रस्ताव। फिर से बता दें, बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में महंगा हो सकता है विद्युत कनेक्शन। यूपीपीसीएल ने लाइन चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव किया। लाइन चार्ज बढ़ाने का नियामक आयोग में दाखिल किया प्रस्ताव। 100% तक महंगा हो सकता है दुकान से लेकर घर तक का कनेक्शन। विद्युत नियामक आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद बढ़ेगा चार्ज। कास्ट डाटा बुक को लेकर नियामक आयोग ने मांगा था प्रस्ताव। 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए वर्तमान में 150 रुपए चार्ज। वर्तमान में 3 किलोवाट के लिए 398 रुपए लाइन चार्ज। दरें बढ़ने पर 1500 और 3500 रुपए का प्रस्ताव। इंटर 24x7 लाइव टीवी पर ब्यूरो रिपोर्ट।